अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उतायर सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन पंजाब। दोस्तों आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो पिछली वीडियो मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, या ये लोग काम करना नहीं चाहते। या उन दोस्तों को मैं ये मशवरा दूंगा कि आपके नेगेटिव काम करने से या कमेंट्स करने से लोग इस काम से दूर नहीं होंगे। आपका मेरे ख्याल से ना एक गांव या एक शहर तक आप जो है ना वो मुनासिर हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें, अगर आपने विज़िट करने है ना रैबिट फार्म में फार्म, तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। कितना दुनिया जो है ना ऊपरले दर्जे तक इसके ऊपर काम कर रही है और कितने बड़े बड़े रैबिट फार्म मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और साथ में ये भी उन दोस्तों को मैं बता दूं कि आप जो लोग कह रहे हैं कि ये सेल नहीं होते, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने अपने इस वीडियो के साथ लगाई है ताकि आप लोग देख सकें। इस दोस्त ने भी मेरे चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देखी थी और तकरीबन अक्सर ये मेरी वीडियो देखते रहते हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था और ये तंग आ गए थे। वो बोल रहे थे कि मैंने सारे, इनके पास न्यूजीलैंड वाइट की ब्रीड है उनका, कि मैंने ये सारे सेल करने हैं, ये सेल नहीं होते, ये इस तरह मेरे घर में मसला है, ये दीवारें गिराते हैं, ये वो। जब मैंने उनको तरीका बताया, और ये दूसरी वीडियो साथ में उन्हीं की चला रहा हूँ, जब ये छोड़ना चाहते थे उस टाइम की वीडियो है। दोबारा अभी से मेरे साथ ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, हमारा रैबिट फार्मिंग का जो ग्रुप है उसमें भी ऐड है ये अभी उनकी वीडियो आई है दोबारा, कि मैंने ये रैबिट सेल करने हैं। उसके बाद मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ कि 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि मुझे सेल करने हैं, अगले दूसरे तीसरे दिन जब मेरे पास कस्टमर आया तो इनको मैंने वापस रिप्लाई किया तो इन्होंने बोला कि मेरे सेल हो गए। ये भी आपकी तरह इतराज़ करते थे कि ये सेल नहीं होते। ठीक हो गया, ये आपको रैबिट नज़र आ रहे हैं। इनका एक बेबी इनका 3500 से 3000 तक सेल हो रहा है। और ये लोग ये काम जो है मेरे घर पे बच्चे कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड वाइट के 2 पेयर उन्होंने रखे हुए हैं, सिर्फ 2 पेयर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड वाइट के 2 पेयर के ऊपर कितना खर्चा आता है और इनकी इनकम कितनी है। इस दोस्त ने भी जब मेरी जो मैंने इसको तरीका बताया उससे इसी तरीके से उसने रखे, ये सारा कुछ इसने सिस्टम सेटअप नया बनाया है। मैं भी एक और वीडियो इससे मंगवा के आपको चैनल के ऊपर लगा के दिखा दूंगा, क्योंकि अभी इसके सेल हो गए, बस इसने 2 पेयर ही रखे हुए हैं। और इसका छोटा से सेटअप का मैं आपको खर्चा बता देता हूँ, ये भी मेरी इंशाल्लाह वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स कर देगा कि इसका इतना खर्चा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड वाइट के अगर आप 2 पेयर मार्केट से ब्रीडर पेयर खरीदते हैं, 2 आपको फीमेल जो है वो आपको तकरीबन 12000 में 6000-7000 की एक फ़ीमेल मिल जाएगी। जो 2 फीमेल और 1 मेल आपका 16-17000 रुपये का एक छोटा सा यानी कि सेटअप बन जाएगा। और इसकी इनकम और इसका खर्चा इसी भाई के ऊपर, ये भाई यानी यंग हैं, 18-19-20 साल के हैं, ये अपना तकरीबन जो खर्चा है इन्हीं 4-5 रैबिट से निकाल रहे हैं। और साथ में मैं भी खुद घर कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ें, आपके आपका काम है कमेंट्स करना, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता रहूँगा। इस भाई ने भी मेरी वीडियो देखी है, ये अक्सर वीडियो देखते हैं, आप उधर इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये जो रैबिट न्यूजीलैंड वाइट है, आप लोग इसके 2 पेयर 17-18 हज़ार के ख़रीद सकते हैं, मार्केट में से आपको मिल जाएंगे। बाकी इसका छोटा सा सेटअप पिंजरा वगैरह घर में बना के आप, अगर आपके यही 2 पेयर आपने बड़े कार के जो है ना वो रैबिट नहीं सेल करनी, क्योंकि फुल यंग इसका जो 6-7 हज़ार 5 हज़ार से लेकर 7 हज़ार तक तकरीबन सेल हो जाता है। जो छोटे इसके बेबी हैं तकरीबन आपके 16-17 बेबी 18 बेबी एक क्लच में आपको ये फीमेल देगी। और यही जो बेबी हैं आप तकरीबन 1.5-2 माह के बाद, ये आपको जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये 1.5-2 माह के बेबी हैं, एक साथ में वीडियो को जो छोटी चल रही है इसके अंदर आप देख रहे हैं, यही बेबी आप मार्केट में 3000 से लेके 3500-3600 तक सेल कर सकते हैं। और यही आपके 18 बेबी जो है 2 महीने के बाद, 2.25 महीने के बाद, अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आप 1 माह के बाद भी तकरीबन 55-56 हज़ार रुपये में सेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त बोलते हैं कि इनका खर्चा बहुत आता है, जो फार सेल वाले उसका जवाब हो गया। इसका खर्चा मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं उनके साथ आप रब्ता भी कर लें, मैंने उनको बोला है कि आप थोड़ा कमेंट्स में लोगों को गाइड किया करें, ये इस तरह नहीं है, क्योंकि वो भी सेटअप छोड़ने वाले थे। जो इनका खर्चा है आप 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा निकाल लें 2 महीने का पहले क्लाच का, उसके बाद तो आपको हर महीने में इनकम आना शुरू हो जाएगी, वो आपको फिर खर्चे की टेंशन नहीं है। 25 से 30 हज़ार रुपया भाई, एक फैमिली अगर छोटी फैमिली है ना 4-5 बंदों की,
तो 25 से 30 हज़ार रुपया, दो तीन बंदों की अगर फैमिली है तो उसका 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा है। मैं आपको रैबिट का खर्चा, दो रैबिट का खर्चा मैं आपको 25 से 30 हज़ार बता रहा हूँ। खुदा रहा अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो आप काइंडली लोगों को इस काम से मुतनफ़र ना करें। उसके बाद आदल भाई हो गए पेशावर से, एक दो और भाई हैं वो जो रैबिट फार्मिंग का काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट भी हो रही है इनकी, लाहौर से कुछ दोस्त हैं, कुछ गुजरात से दोस्त हैं, वो सारे इम्पोर्ट भी करते हैं। अगर आपके सेल नहीं होते ना तो मेरे साथ रब्ता करें, लेकिन दो चार रैबिट वाला जो है ना वो काइंडली उधर मार्केट में ही सेल कर लें, क्योंकि दो चार रैबिट के ऊपर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, इसलिए लोग नहीं उठाते। अगर आपके पास 20-25-30 पीस हैं तो कम से कम लोग आके उठा लेते हैं, खर्चा जो है वो निकल आता है। असल मसला ये है आपकी ना सेल होने की वजह, आपके पास दो रैबिट सेल करते हैं या तीन करते हैं तो जिससे आपको जो है वो रैबिट सेल नहीं होते, लोग लेते नहीं हैं, जो लेते हैं वो दो चार का रेट बहुत डाउन बताते हैं। अगर आपके पास 25-30 रैबिट हैं तो आपके टोटल रैबिट इंशाल्लाह अच्छे दामों में सेल होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस वीडियो में भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जिसकी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।